फ्रेंड्स, आई एम अनीता शोकन और आपका आपके यूट्यूब चैनल अनीता शोकन पर स्वागत है। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट कोस्ट कर्व। तो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि कोस्ट कर्व क्या होती है, कि जो प्रोड्यूसर है किसी वस्तु को प्रोड्यूस करने में जितने खर्चे करते हैं वो उसके लिए क्या होती है, कोस्ट होती है। तो हमने क्या देखा था, एवरेज कोस्ट, मार्जिनल कोस्ट, इनको देखा था। तो ये क्या थी, हमारी यू सेफ की थी, प्रोडक्शन है हमारी कोस्ट, ये थी हमारी एवरेज कोस्ट। और इसका जो मिनिमम पॉइंट था ये है हमारी मार्जिनल कोस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो हमने ये देखा था कि जो मार्जिनल कोस्ट है वो एवरेज कोस्ट को क्या करके जाती है, उसके न्यूनतम बिंदु से काट कर जा रही है। अब हम देखेंगे कि दोनों में व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कोस्ट एंड मार्जिनल कोस्ट, कि हम क्या देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कोस्ट एंड मार्जिनल कोस्ट, कि इनमें क्या संबंध है। पहला ही संबंध है कि दोनों को ही हम क्या निकालते हैं, टोटल कोस्ट से निकालते हैं। एवरेज कोस्ट इक्वल टू टोटल सेल कोस्ट पहले में नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, मार्जिनल कोस्ट इज इक्वल टू डेल्टा टी सी बाय में डेल्टा क्यू। ये आप देख सकते हो, मार्जिनल कोस्ट ऑफ एन इज इक्वल टू टोटल कोस्ट ऑफ एन माइनस टोटल कोस्ट ऑफ एन माइनस वन। इस प्रकार से तो पहला ही हमारा संबंध इनमें क्या है कि दोनों को ही हम क्या है टोटल कोस्ट से निकालते हैं, कि ड्राइव्ड कोस्ट है और दोनों को ड्राइव किससे किया है, हमने टोटल कोस्ट से किया है। अब सेकंड जो रिलेशन है वो मैं क्या बताऊँ, देखिएगा इसी जो डायग्राम है उसको तीन हिस्सों में हम तोड़ लेते हैं। ये है हमारा, ये एवरेज कोस्ट है, ये मार्जिनल कोस्ट, देखो यहाँ तक चुप हो, ये एवरेज है, ये मार्जिनल है। सिर्फ बात इतनी सी है कि समझाने के लिए मैंने इनको दोनों को मिलाकर बना दिया है, ऊपर एवरेज थी नीचे मार्जिनल कोस्ट थी। तो सेकंड हमारा क्या है, जब एवरेज कोस्ट गिरती है तो मार्जिनल कोस्ट उससे ज़्यादा गिरती है। अब नेक्स्ट जो है हमारा थर्ड, एवरेज कोस्ट है, ये मार्जिनल कोस्ट है। तो देखिएगा ये बड़े फेज, ये एवरेज कोस्ट है, ये मार्जिनल कोस्ट है। मेन डायग्राम क्या है, एक है, उसको तीन हिस्सों में पार्ट की करके अलग अलग हम इसको क्या करें समझा रहे हैं। तो ये एवरेज कोस्ट है, ये मार्जिनल कोस्ट है, ये एवरेज है, ये मार्जिनल है, यही वाला डायग्राम मैंने यहाँ बनाया। जब एवरेज कोस्ट बढ़ रही है तो मार्जिनल कोस्ट उससे तेजी से बढ़ रही है। तो पता क्या चला, मार्जिनल कोस्ट इज अ लीडर एंड एवरेज कोस्ट इज अ फॉलोवर, कि मार्जिनल कोस्ट लीडर है जब वो एवरेज बढ़ती है मार्जिनल से तेजी से बढ़ती है, एवरेज घटती है मार्जिनल से तेजी से घटती है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, ये हमारी एवरेज कोस्ट है, ये हमारी मार्जिनल कोस्ट, कि एवरेज कोस्ट को मार्जिनल कोस्ट उसके न्यूनतम बिंदु से काटती है। न्यूनतम बिंदु है उसका, यहाँ पर हमारा एम पॉइंट बिंदु मिनिमम पॉइंट है, इसके बाद वो थोड़ा सा बढ़ना शुरू कर देगी, कि यहाँ से हमारी क्या होती है एवरेज कोस्ट को मार्जिनल कोस्ट काटती है, जहाँ पर एवरेज को न्यूनतम होती है मार्जिनल कोस्ट उसको वहाँ से काटती है। नेक्स्ट हम क्या करें, जब एवरेज कोस्ट न्यूनतम बिंदु पर होती है तो मार्जिनल कोस्ट बढ़ रही होती है। एवरेज कोस्ट जब न्यूनतम होती है तो मार्जिनल कोस्ट का क्या हाल है, वो बढ़ रही होती है। तो ये तो थे हमारी एवरेज कोस्ट और मार्जिनल कोस्ट में डिफरेंस। कई बार क्या होता है, हम सोचते हैं कि क्वेश्चन आ जाता है अल्पकालीन कोस्ट लागत और सीमांत लागत में क्या रिलेशन है या डिफरेंस क्या। कई बार आगे वो दीर्घकालीन, चाहे अल्पकालीन हो चाहे दीर्घकालीन हो, वो युवाकार की होती है और संबंध हमारा क्या होता है सेम होता है। तो पजल होने की जरूरत नहीं है कि आगे अल्पकालीन शब्द लिख दिया या दीर्घकालीन औसत और सीमांत लागत में संबंध लिख दिया, तो डिफरेंस सेम ही होगा, क्योंकि इनका जो सेफ है वो हमारा क्या होता है सेम होता है। अंतर सिर्फ इतना है कि अल्पकालीन लागत वक्र युवाकार की होती है, होती वो भी युवाकार की, लेकिन यू थोड़ा सा क्या कर लेता है तस्तरी का सेफ धारण कर लेता है, वो थोड़ा सा
चपटे आकार का होता है, थोड़ा फैला हुआ होता है आकार उसका भी यू है। तो रिलेशन बिटवीन एम सी एंड ए सी रिमेन सेम इन बोथ इन शॉर्ट पीरियड एंड लॉन्ग पीरियड। अब है हमारा दीर्घकालीन लागत वक्र, लॉन्ग टर्म पोस्ट करो लागत। इन लागत वक्रों को हम देखो प्लानिंग वक्र भी कहते हैं, प्लानिंग पोस्ट करो भी कहते हैं। क्यों कहते हैं दीर्घकालीन लागत वक्रों को प्लानिंग पोस्ट करो? देखो दीर्घकाल में कोई भी जो फैक्टर है वो फिक्स नहीं होता, ऑल द फैक्टर आर वेरिएबल्स, जितना भी चाहे सभी के हम फैक्टर्स को बढ़ा घटा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन आवर एक्सपेक्टेशन ऑफ डिमांड। तो जब फिक्स फैक्टर ही नहीं है तो फिक्स कॉस्ट भी कैंसिल होगी। तो दीर्घकाल में कोई भी लागत बनी लागत नहीं होती, सभी कॉस्ट कैसी होती हैं? वेरिएबल कॉस्ट होती हैं। तो वहाँ हमें क्या करना है, वहाँ पर जो प्रोड्यूसर है वो प्लानिंग कर सकता है कि उसको कौन सा प्लांट यूज करना है, किस प्रकार से अपनी जो कॉस्ट है वो कम से कम करनी है। इसलिए उसको क्या कहते हैं, प्लानिंग वक्र भी कहते हैं, क्योंकि दीर्घकालीन जो लागत वक्र है अनेक अल्पकालीन लागत वक्रों को घेरे हुए होती हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, एनवलप करो भी कहते हैं। एनवलप मैंने लिफाफा करो, जिस तरह से लिफाफा होता है उसके अंदर चिट्ठी डाल देते हैं, तो ये भी क्या करता है, बहुत सारी अल्पकालीन लागत वक्रों को घेरे हुए होते हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, एनवलप करो। तो अब देखिएगा कैसे होता है, हमारा इस साइड है हमारी प्राइस एंड कॉस्ट, इस साइड है प्रोडक्ट। तो एस ए सी वन SAC 2, ये शॉर्ट टर्म हमारे क्या हैं, एवरेज कॉस्ट कर्व हैं। अब क्या होते हैं OQ प्लॉट्स, ये बी है सी है। देखो कोई भी प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करने के लिए लॉन्ग टर्म में इनमें से कोई सा भी प्लांट चूज करने की प्लानिंग कर सकता है। मान लो हम कहते हैं उसको OQ प्रोडक्शन करना है, क्यों या उसे OA पॉइंट पर क्या कर रहा है, SA1 प्लांट उसके लिए सुटेबल है, क्योंकि यहाँ पर उसकी लागत क्या रही है, कम है, तो यहाँ तक कम है। लेकिन जब डोटेड पार्ट है उस समय वो SA1 प्लांट पर कार्य नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर उसकी कॉस्ट क्या आ रही है, ज़्यादा आ रही है, तब वो क्या करेगा, सेकंड प्लांट को चूज करेगा ही करेगा, इसे डोटेड पार्ट में वो कभी नहीं जाएगा, वो अगले प्लांट पर काम करेगा। लेकिन ए पॉइंट पर तो प्लांट वन से और प्लांट टू से क्या आ रही है, सेम कॉस्ट आ रही है, वहाँ वो कोई से भी प्लांट का यूज कर सकता है, वो प्लांट ए का भी यूज कर सकता है, प्लांट बी का यूज करेगा, तो वो किस पर डिपेंडिंग ऑन हिज एक्सपेक्टेशन ऑफ मार्केट, मार्केट की डिमांड की जो उसकी एक्सपेक्टेशन है उसके आधार पर वो प्लांट बी का यूज करेगा वरना वो प्लांट ए का, दोनों से ही कॉस्ट क्या आ रही है, हमारी सेम आ रही है, लेकिन वो इसे SA1 के ऊपर वाले पोर्शन में कभी नहीं जाएगा, तो वो प्लांट टू को चूज कर लेगा। उसी प्रकार से बी हमारा जो पॉइंट है वहाँ पर प्लांट दो और प्लांट तीन उन दोनों से ही क्या आ रही है, सेम पोस्ट आ रही है, तो वो प्लांट टू का भी यूज कर सकता है, प्लांट थ्री का भी यूज कर सकता है। प्लांट थ्री का कब यूज करेगा, मार्केट कंडीशंस को देखेगा, मार्केट की एक्सपेक्टेशन को देखेगा कि डिमांड की क्या एक्सपेक्टेशन, उसके हिसाब से वो प्लांट थ्री को यूज करेगा, वरना वो प्लांट टू का यूज करेगा तो उतनी पोस्ट है। लेकिन यदि वो इसे ऊपर ऐसे टू के इस डोटेड पोर्शन में नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कॉस्ट प्लांट टू से क्या है, ज़्यादा ही, प्लांट वन से कॉस्ट, प्लांट थ्री से कॉस्ट क्या है, कम है। उसी प्रकार से यहाँ पर प्लांट थ्री और प्लांट फोर है, तो दोनों से क्या रही है, सेम कॉस्ट आ रही है, तो यहाँ भी वो वही केस रहेगा कि वो चूज कर सकता है, या पहले थ्री से भी यूज कर सकता है, फोर का भी चूज कर सकता है, फोर मार्केट की
डिमांड की एक्सपेक्टेशन पर डिपेंड करता है कि डिमांड की एक्सपेक्टेशन कितनी है, उसके हिसाब से वो प्लांट फोर को चूज कर सकता है। तो यहाँ उसके पास कितने सारे ऑप्शन हैं, इतने सारे प्लांट हैं कि वो कोई से भी प्लांट को चेंज करके कोई से दूसरे प्लांट पर जा सकता है, इसलिए प्लानिंग कर रहा है वो। तो प्लानिंग करके वो ऐसा करेगा। अब ये जो है, जो हमारा LAC लॉन्ग टर्म जो पोस्ट कर्व है वो इन सभी को घेरे हुए होगा, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, एनवलप कर्व भी कहते हैं। कि ये हमारे इन सभी को क्या होगा, घेरे हुए होगा। तो SA4 SA5 SA6, तो ये है हमारा। तो इस प्रकार से लॉन्ग टर्म जो पोस्ट कर्व है वो शॉर्ट टर्म जो पोस्ट कर्व है उनको घेरे हुए होती है। हालांकि इनका भी आकार हमारा क्या होता है, यू शेप का भी होता है, लेकिन इनमें अनेक अल्पकालीन पोस्ट कर्व समाये हुए होते हैं। तो ये SA1 SA2 SA3 SA4 SA6 5, इस प्रकार से हमारे ये अलग अलग प्लांट हैं जिनको घेरने से हमारी क्या बनती है, लॉन्ग टर्म AC, दीर्घकालीन AC वक्र बनता है। रिलेशन वही रहेगा एवरेज का और मार्जिनल का, ये इसका न्यूनतम है। तो ये उस हमारे LMC है कि उसको उसके न्यूनतम बिंदु से ही काट कर जाती रिलेशन वही है कि जब हमारी AC गिर रही है, MC गिर रही है, लेकिन AC जितनी गिरती है MC उससे ज़्यादा गिरती है। जब AC बढ़ रही है MC भी बढ़ रही है, लेकिन MC क्या होती है, AC से ज़्यादा बढ़ रही है, और MC AC को उसके न्यूनतम बिंदु पर काट रही है। SMC तो इस प्रकार से हमें क्या होगा, दीर्घकालीन लागत वक्र हम ज्ञात कर सकते हैं। अब दीर्घकालीन जो लागत वक्र हैं वो उनमें फर्क अंतर होता है, अब हमने देख लिया, क्योंकि दीर्घकाल में हमारा कई बार आ जाता है दीर्घकालीन और अल्पकालीन लागत वक्रों में क्या अंतर है। तो देखिएगा, क्योंकि पहला तो अंतर ये कि दीर्घकाल में कोई भी लागत बनी लागत नहीं होती, सभी लागतें परिवर्तनशील होती हैं। फिर दीर्घकाल में हम अलग अलग इन लागतों में अंतर दिखा दिया कि SAC और जो SMC होती है वो बिल्कुल यू आकार की होती है, लेकिन इनका आकार तो यू है, लेकिन वो थोड़ा सा फ्लैट होता है, चपटा होता है, तस्करी के आकार का होता है। फिर हमारा जो TC है वो जीरो से स्टार्ट होता है, ओरिजिन से स्टार्ट होता है, क्यों, क्योंकि शॉर्ट पीरियड में तो क्या होती थी, बंधी लागत होती थी, वो ऊपर से स्टार्ट होता है, लेकिन लॉन्ग रन में कोई भी लागत बंधी लागत नहीं होती, इसलिए यहाँ पर वो इस प्रकार से शुरू होता है। यहाँ पर ये दीर्घकालीन था टोटल वक्र, ये हमारा क्या है, लॉन्ग रन टोटल पोस्ट कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये ऐसा क्यों हुआ, ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि इनका से ऐसा होने का क्या कारण है यू आकार का, और जो हमारी अल्पकालीन लागत थी उनका ऐसा होने का क्या कारण है। तो फ्रेंड्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।